अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं और जब भी नए न्यूज़ अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो अब शुरू करते हैं। रिपोर्ट विशाल मिश्रा। कर्नलगंज पुलिस की कार्यशैली से नाराज अधिवक्ताओं ने की नारेबाजी और आंदोलन की दी चेतावनी। कर्नलगंज मंगलवार तहसील कर्नलगंज के वकीलों ने कोतवाली पुलिस के ढुलमुल रवैये से परेशान होकर आज जमकर नारेबाजी करते हुए आगामी 17 तारीख को राजमार्ग को जाम करने की दी चेतावनी देते हुए नायब तहसीलदार कर्नलगंज के जरिए उप जिलाधिकारी कर्नलगंज को दिया ज्ञापन। मामला कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा बसालतपुर के निवासी अमरेश कुमार चौबे जो कि एक अधिवक्ता भी हैं, उनके घर पर बीते माह चोरों ने बड़ा हाथ साफ कर लिया था, जिसकी शिकायत स्थानीय कोतवाली में हुई। मुकदमा दर्ज किया गया मगर कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई। तहसील भवन में जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी के साथ ही नायब तहसीलदार कर्नलगंज के माध्यम से उप जिलाधिकारी रमाकांत वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिलोकीनाथ तिवारी ने बताया कि अगर जल्द ही पुलिस ने इस मामले का खुलासा नहीं किया और प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह को कोतवाली 3 तारीख को हमारे घर चोरी हुई थी, जिसके संबंध में FIR पंजीकृत कर ली गई, लेकिन आज लगभग 2 महीने होने वाले हैं, आज तक पुलिस ने उसमें कुछ भी नहीं किया। अमरेश कुमार चतुर्वेदी, ग्राम बसालत, थाना कर्णगंज। तहरीर का मुकदमा पंजीकृत हुआ, तहरीर थाने में दी, अभी कुछ नहीं। आंदोलन उसी के लिए या तो खुलासा करें या चोर पकड़ें, उसी के संबंध में हम लोग आंदोलन पर हैं और जब तक खुलासा नहीं होगा तब तक आंदोलित रहेंगे। क्या चाहते हैं? माल बरामद हो और चोरी का खुलासा हो। अब हो सकता है मिले हों, इसीलिए इतना विलंब हुआ चोरी का खुलासा होने में।